ये जो आप अभी सेटअप देख रहे हैं पूरा, ये सिंह स्टीम का इलेक्ट्रिक स्टीम जनरेटर है, स्टीम बॉयलर जिसको भी बोलते हैं, और ये मेक इन इंडिया के तहत बना हुआ है, मेक इन इंडिया प्रोडक्ट है ये। और सिंह स्टीम की तरफ से इस पर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर और अपना वेबसाइट का लिंक है, ये खरीदने के लिए आपको हेल्प आएगा। इसके लिए दिया चाहे आपको इसके बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो आप इससे ले सकते हैं। अब मैं इसको चला के दिखाऊंगा, बताऊंगा कैसे ले सकते हैं सब कुछ। तो मैं आपको स्टार्ट करता हूँ वीडियो। सबसे पहले मैं आयरन की प्रेशर दिखाता हूँ एक बार, और देखिए कितना बेहतरीन ये प्रेशर दे रहा है। और ये स्टीम कैसे बनेगी, इस बॉयलर में कैसे आप स्टीम बना सकते हैं, उसके बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगा। सबसे पहले ये अपना मेन स्विच लगा हुआ है यहाँ पे, और ये मेन स्विच पूरा बॉयलर को कंट्रोल करता है। उसके आगे एक ये अपना पंप का इंडिकेटर लगा हुआ है, इसमें जब पानी नहीं होता है तो ये वाला इंडिकेटर जलता है। जब स्टीम इसकी बन के पूरी कंप्लीट रेडी हो जाती है 5 kg प्रेशर, जैसे कि हमारा बॉयलर में 5 kg प्रेशर हम बनाते हैं, नॉर्मल बॉयलरों में क्या होता है 4 kg प्रेशर होता है, उसमें उतना स्टीम प्रेशर के साथ नहीं आता है, बट हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग किया है हमने वो 5 kg का बॉयलर मैन्युफैक्चरिंग किया है प्रेशर में। और इसका जो वाटर टैंक है ये आपका पूरा 22 लीटर का वाटर टैंक है हाई क्वालिटी में, साथ में हीटर का ये स्विच लगा हुआ है यहाँ पे, ये जैसे स्टीम रेडी हो गई तो ये ऑन हो गया, अभी ऑफ था ये, जब ये ऑफ रहता है ये ऑन रहता है, ये ऑन होता है तो ये ऑफ होता है, ऐसे काम करता है। साथ में इसका पानी डालने का, जैसे पानी खत्म हो गया तो पानी डालने का सिस्टम यहाँ पर दिया हुआ है, ये आपको वाल खोल के यहाँ से पानी भरना होगा। अभी हमने पानी भर के इसको चला रखा है। उसके बाद आप बैक साइड में आते हैं तो यहाँ पे देखिए जैसे कि एयर वाल दिया हुआ है, स्टीम निकालने का काम आएगा आपको इस तरीके से। उसके नीचे अपना ड्रेन वाल दिया हुआ है, यहाँ से पानी वगैरह निकाल सकते हैं आप, इसको पूरा खाली करना है तो वहाँ से खाली कर सकते हैं। उसके ऊपर यहाँ पे सेफ्टी वाल दी हुई है, साथ में प्रेशर गेज दिया हुआ है, यहाँ पे सोनेट वाल दिया हुआ है, साथ में ये वायर हैंग करने के लिए एंटीना दिया हुआ है इसके ऊपर, और इसको ये आयरन इसके ऊपर अटैच है ये पूरा इस तरीके का। इसकी वायरिंग की बात करें तो यहाँ पे एक मेन लाइन का कनेक्शन होता है इसका इस तरीके से, और ये दोनों तारे एक आप MCB लगाइए, पावर सॉकेट लगाइए उसमें लगा सकते हैं, एक प्रेस का तार एक दूसरा बॉयलर का तार। टोटल किलोवाट की बात करूँ तो ये 3 kW का बॉयलर है हाई क्वालिटी में हैवी ड्यूटी, जिससे आप लेके लॉन्ग लास्टिंग काम कर सकते हैं, अच्छी क्वालिटी का है, और इसमें बढ़िया क्वालिटी का सेल लगाया हमने SS का स्टेनलेस स्टील का, जो अच्छी क्वालिटी का स्टेनलेस स्टील का सेल होता है, मैं सेल भी एक बार दिखाऊंगा आपको अभी। ये देखिए इस तरीके का स्टेनलेस स्टील का हमने टैंक लगाया हुआ है इसके अंदर पूरा, ये पूरा 304 मतलब स्टैंडर्ड जो ग्रेड होता है स्टील का, नंबर आते हैं उनके, 304 स्टील लगाई हुई है, ये कभी गलेगा नहीं, पानी से ख़राब नहीं होगा। लोहे का टैंक लोग लगाते हैं वो क्या होता है गल जाता है, लीकेज हो जाती है, फिर बाद में बहुत सारे आपने सुना होगा बॉयलर लीकेज हो गया हमारा, ख़राब हो गया, सेल ख़राब हो गया, तो इसलिए हमने स्टेनलेस स्टील का टैंक लगाते हैं, इसमें आपको कभी इस टाइप का समस्या नहीं आएगा कि ख़राब हो जाए सेल इसका, क्योंकि मोस्ट कॉस्टली बॉयलर मेन ये सेल ही होता है, तो इसलिए आपको हाई क्वालिटी का सेल हम लगा के देते हैं इसके अंदर SS का। और दूसरी नंबर बात कि इसमें आयरन भी कंपनी का हमने इटालियन आयरन लगाई हुई है, साथ में सॉलिड वाल भी ओरिजिनल लगाया हुआ है, स्विचेस वगैरह भी इम्पोर्टेड लगाए हुए हैं, जो भी पार्ट्स लगाए हैं जेन्युइन पार्ट्स लगाए हैं। लॉन्ग लास्टिंग आपको इसकी वारंटी देते हैं हम 2 साल की पूरी बॉयलर की, इसके साथ में आप लेते हैं तो। और ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी हमारी कैश ऑन डिलीवरी और प्रीपेड पे है, कैश ऑन डिलीवरी का थोड़ा सा कंडीशन है कि आपको उसकी कुरियर चार्जेस एडवांस पेमेंट होता है, बाकी अमाउंट जो भी मशीन का अमाउंट है आप वो डिलीवरी के टाइम पे हमें पे कर सकते हैं जब डिलीवरी बॉय लेके जाएगा, मगर कुरियर चार्जेस हम पहले लेते हैं, क्योंकि जब हम इतना बड़ा बॉयलर आपको भेजेंगे तो उसका चार्जेस ज़्यादा आता है, मगर कुछ हमारे प्यारे कस्टमर हैं जो क्या करते हैं ऑर्डर तो मंगाते हैं मगर लेते नहीं, उसमें क्या है नुकसान हमारा आने का भी और जाने का दोनों का भाड़ा लग जाता है, इसलिए थोड़ी सी दिक्कतें हैं कि आपको कुरियर चार्जेस देना रहेगा, नहीं तो आपको कोई दिक्कत है पैसे देने में, कुरियर चार्जेस देने में, मंगाने में, प्रीपेड कैश ऑन डिलीवरी में, तो सीधा हमारा स्टोर है नोएडा सेक्टर 5 जो अपना नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 12 किलोमीटर, आनंद विहार से 10 किलोमीटर और निजामुद्दीन से भी 10 किलोमीटर की दूरी पे है, बाहर स्टेट से आते हैं तो। यहाँ पर दिल्ली NCR
एनसीआर के जो भाई हैं वो तो खैर जानते ही कितना डिस्टेंस रहता है नोएडा सेक्टर पास से, अपना चेक कर सकते हैं लोकेशन के थ्रू। हमारा लोकेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा आपको डिटेल मिलती है। उसके साथ में मेट्रो हमारी नज़दीक में ही है, 300 मीटर की दूरी पे, 300 मीटर चलेंगे तो पैदल का वॉकिंग है आपको। मेट्रो स्टेशन नोएडा सेक्टर 15 लगता है, सबसे पास का हमारा, वहाँ पे आ सकते हैं। जो हमारा सेक्टर है सेक्टर 5 है, मेट्रो स्टेशन सेक्टर 15 में है, वहाँ से आ सकते हैं ऑटो वगैरह या फिर पैदल भी आ सकते हैं। 300 मीटर कोई ज़्यादा दूरी नहीं है मेट्रो से आने के लिए, मैं इसलिए आपको दे रहा था कि आपको आने में आसानी हो। बाकी आपको ये पूरी बॉयलर मैंने आपको दिखा दिया, एक बार पूरा स्टीम फिर से दिखाऊंगा मैं एक बार। आयरन करना चाहते हैं सिंपल है, इससे जो टेबल है आपके पास बॉयलर यहाँ हमारे साइड में लगा हुआ है, हमें आयरन करनी है आराम से इस टेबल पर काम करिए, आपको वायर कम नहीं पड़ेगा पूरे टेबल पे, ये अच्छे से वर्क करेगा क्योंकि इसकी वायर काफ़ी लंबी है और हैंगिंग भी अच्छा है। ये देखिए पूरे टेबल पर अच्छे से वर्क कर सकते हैं आप इसके ऊपर, और अच्छे से आप लगा सकते हैं। आपको इसे नॉर्मल टेबल इस पर भी काम कर सकते हैं, कोई ऐसी जरूरत नहीं है कि आपको स्पेशल वैक्यूम टेबल नहीं, नॉर्मल टेबल भी है, उस पर गद्दा मोटा लगा के काम कर सकते हैं आप। स्टीम का प्रेशर आपको दिखाई चुका हूँ मैं कितना अच्छा है, क्वालिटी इसकी बताई चुका हूँ मैं आपको। इसको लेने के लिए एक बार जरूर हमें कॉन्टैक्ट करें हमारे दिए गए नंबर पे, या फिर पैन इंडिया डिलीवरी मंगाना चाहते हैं तो वो भी सुविधा है, हमारा जेन्युइन स्टोर है, एक बार जरूर सेवा का मौका दें, हम आपको निराश नहीं करेंगे, हम इसकी पूरी उम्मीद करते हैं। और हमसे सामान लेके आप हमेशा संतुष्ट रहेंगे, हम बेस्ट सर्विस दे देंगे आपको। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।